जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माउंटेन फौजी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लाया हूँ। दोस्तों गुड न्यूज़ यह है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए बंपर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों आपको बता दूँ कि CRPF हमारे देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बल है। दोस्तों ये बल आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के साथ साथ बॉर्डर पर भी अपनी ड्यूटी निभाते आ रहा है और इस बल का हमारे देश में बहुत ऊंचा नाम है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनो की। बहुत ही बम्पर यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है जो कि 1315 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती CRPF ने निकाली है। दोस्तों कैटेगरी वाइज बात करें कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर है, तो सबसे पहले बात करते हैं ASI स्टेनो के लिए जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 58 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। वहीं EWS की बात करें तो 14 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। वही OBC की बात करें तो 39 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। SC कैटेगरी की बात करें तो 21 पदों के लिए ASI स्टेनो के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। ST कैटेगरी की बात करें तो 11 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है और टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी ASI स्टेनो की दोस्तों वो है 143। दोस्तों बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 532 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। वहीं EWS की बात करें तो 132 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। OBC की बात करें तो 355 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 197 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है और ST कैटेगरी की बात करें तो 99 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है और टोटल जो यहाँ पर पद संख्या निकल के आ रही है 1315 बहुत ही बड़ी पद संख्या या फिर अब काफ़ी अंतराल के बाद यहाँ पर CRPF ने निकाली है। दोस्तों अगर बात करें इसकी अप्लाई डेट की तो देखिए 4/1/2023 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट शुरू होने वाली जो कि 25/1 इसकी लास्ट डेट है। 25/1/23 इसकी लास्ट डेट है, इसका आपको खास से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। देखिए 18 से 25 साल की यहाँ पर एज लिमिट CRPF ने मांगी है जिसमें 20/1/98 के बाद आकर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही 25/1/2023 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वही SC/ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वही OBC में 3 साल के लिए आपको यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। अब दोस्तों इस जॉब की मैं खास बात करूँ तो ये फीमेल कैंडिडेट जो है हमारी लेडीज़ कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेहतरीन जॉब ये होने वाला है क्योंकि एज अ फोर्स की नौकरी बेल की नौकरी में बहुत ही ऑफिशियल जॉब ही होने वाला है क्योंकि आपको देखिए किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस में नहीं जाना होता है, ना ही बॉर्डर पर आपको ड्यूटी देनी होती है, आपको बस ऑफिशियल जॉब करनी होती है, कंप्यूटराइज पूरा वर्क होता है। तो लेडीज कैंडिडेट के लिए सबसे बढ़िया ये जॉब होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फीस की, तो देखिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर ₹100 फीस रखी गई है। वही SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों बात करें यहाँ पर पे स्केल की, तो 7th पे कमीशन के हिसाब से ASI स्टेनो जो है लेवल 4 के लिए यहाँ पर पे स्केल बनता है 29,200 से लेके 92,300 तक यहाँ पर आपका पे स्केल बनने वाला है। और वही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो लेवल 4 में पे कमीशन 7th के हिसाब से इनको जो है 25,500 से लेकर ₹81,100 यहाँ पर इनका सैलरी बनने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा दोस्तों देखिए यहाँ पर सैलरी भी बन रहा है और आपके ग्रेड पे जो 2400 ग्रेड पे पर आपको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। अब दोस्तों देखिए बात करती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो देखिए दोस्तों 10+2 आपने किया है चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या आपने इक्विवेलेंट आपका 10+2 है तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हो। और इसी के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर मांगा गया है। आपको एक बात और बता दूं कि आपको जो फॉर्म भरते समय आपको टाइपिंग टेस्ट का किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना है, ये सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए होने वाला है। आपको खाली टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपके लिए स्पीड होनी चाहिए, तब आप जाके इसको क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों बात करें PAT में आपको यहाँ पर क्या मांगा गया, देखिए चेस्ट जो है यहाँ पर मांगी गई है जनरल OBC/ST कैटेगरी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट मांगी गई है जो कि एक्सपेंड करें पानी फुलाने के बाद आपकी चेस्ट होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर। वही ST कैटेगरी की बात करें तो 76 यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और एक्सपेंडेड जो है आपकी 81 सेंटीमीटर आपकी फुलाने के बाद यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए। दोस्तों देखिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा या
पीएसटी होगा। दोस्तों देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सबसे पहले पीएसटी किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो हो सकता है आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेज जो है पीएसटी होगी, सेकंड में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जो भी सीआरपीएफ को सूटेबल लगता है तो आपका वो दोनों में से एक जो भी पहले होगा आपको नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाएगा। जो आपका तीन नंबर का दोस्तों यहाँ पर आता है स्किल टेस्ट, यानी अगर आपने हेल्थ कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किया है तो आपको टाइपिंग टेस्ट, जैसे मैंने जो स्पीड बताई उसके मुताबिक आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, और आपने स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन किया है तो आपको स्टेनोग्राफर टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद आपका फाइनल होगा मेडिकल, मेडिकल होने के बाद दोस्तों आपको फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट के हिसाब से मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर वैकेंसी सीआरपीएफ द्वारा निकाली गई है, तो आप बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर आवेदन करके अच्छी तैयारी करके निश्चित ही आपकी एक पोस्ट जो है आपकी बिल्कुल यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, और उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दीजिए आपके फौजी भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।